गुलबर्गा सेंट्रल बस स्टैंड के अपोजिट शांतिनगर इलाके में उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन हुआ है। इस हॉस्पिटल के इनोग्रेशन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जनाब अली अल हुसैनी साहब जानशीन सज्जादानशीन बारगाह ख्वाजा बंदनवास के अलावा कर्नाटका के कई मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, एमएलसी, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, आईपीएस ऑफिसर्स और दीगर कई दिग्गज लोग यहां मौजूद थे। उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर तनवीर उस्ताद किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो पिछले 8 सालों से गुलबर्गा शहर में अपने खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। डॉक्टर तनवीर उस्ताद के वालिद मरहूम जनाब अलहाज एडवोकेट सादत हुसैन उस्ताद साहब का ये ख्वाब था कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन कर गुलबर्गा शहर की आवाम की खिदमत की जाए। 20 जनवरी को डॉक्टर तनवीर उस्ताद ने अपने वालिद मरहूम अलहाज सादत हुसैन उस्ताद साहब के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इस हॉस्पिटल का इनोग्रेशन कर अपने वालिद के ख्वाब को पूरा किया है। डॉक्टर तनवीर उस्ताद के साथ इनकी वाइफ डॉक्टर सैयदा सबिया तनवीर, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, ये भी इस हॉस्पिटल में अपने खिदमात अंजाम देंगी। गुलबर्गा शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल ओपन हुआ है जो कुल 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है और G+3 यानी टोटल हिसाब करें तो 28,000 स्क्वायर फीट स्पेस में यह हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जहां 24/7 इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर तनवीर उस्ताद ने बताया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम मशीनरीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को इंक्लूड कर सेटअप किया गया है। इस हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर और 10 बेड का ICU है और NICU, PICU, ट्रोमा केयर सेंटर के अलावा दीगर कई फैसिलिटीज यहां मौजूद हैं और लेजर लेथोड्रेस्पी सर्जरी, एंडोस्कोपी सर्जरी, लैपरोस्कोपिक सर्जरी, डायलिसिस सेंटर और ओपन हार्ट सर्जरी भी यहां की जाएगी। उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही आपके लिए ब्लड बैंक, फार्मेसी, लैब, एक्सरे और दीगर सर्विसेज दी जा रही हैं। डॉक्टर तनवीर उस्ताद ने बताया, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट यहां मौजूद है। आज उस्ताद साहब के हॉस्पिटल की इफ्तिताह है, सदस्य उस्ताद साहब की यादगार में 79वां बर्थडे है, सब आपने यहाँ पर विजिट किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नासर उस्ताद को, उनके तमाम भाइयों को, अफराद ख़ानदान को, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको ये मौका और तौफीक दिया है कि वो अपने मरहूम वालिद के ख्वाब को, एक जरीना ख्वाब को उसको पूरा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस दवाखाने के आगाज़ से इनके मरहूम वालिद के लिए एक सवाब जारिया भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गी के आवाम को यहाँ पर इससे बहुत फ़ायदा होगा, इस्तेफादा हासिल करेंगे, क्योंकि मौजूदा ज़माने में जिस चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसमें रोज़गार भी है, तो उसमें तिबी सहूलतें, अस्पतालों की भी ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मियारी अस्पताल यहाँ पर 70 बेड का यहाँ पर आज शुरू किया जा रहा है। तो मैं नासर उस्ताद साहब के, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को, उनके काबिल भाई को, जो डॉक्टर हैं, PG हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला इसमें अपनी बरकतों को नाजिल करें और जितने मरीज़ हैं अल्लाह उनको यहाँ से सेहतियाब करे, उनको शिफा दे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ गुलबर्गी की आवाम भी इस अस्पताल की सरपरस्ती करेंगे और इन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि एक मौजूदा ज़माने में अस्पताल का ख़याम अमल में लाना एक बहुत बड़ा नेक काम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज शहर गुलबर्गा में बस स्टैंड के ठीक सामने उस्ताद मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की आज इफ्तिताह अमल में आई है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उस्ताद फैमिली को और बिलखसूस डॉक्टर तनवीर साहब और उनके अहलिया को मुबारकबाद पेश करता हूं
और ये हॉस्पिटल की खसूसियात ये हैं माशाल्लाह, डॉक्टर साहब जो है न्यूरो सर्जन हैं और डॉक्टर साहब जो है स्पेशली किडनी के अंदर जो है गुलबर्गा में पहले से ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम अपना झंडा गाड़ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यहाँ अपने घर के पुराने घर के सामने जो है आपका हॉस्पिटल बना है और मैं समझता हूँ गुलबर्गा में चंद हॉस्पिटलों में से जो है हॉस्पिटल जो है उतना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया है। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनके हाथ में और भाभी के हाथ में जो है शफाए कामिला दे ताकि लोगों को जो है इसका जो है फ़ायदा हो सके। और मैं अवामुन्नास बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस मामले में लेके, जो अक्सर जो है किडनी के मामले में लोग जो है सोलापुर पूना हैदराबाद भागते थे, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तालुका लेवल के हजरात को यहाँ गुलबर्गा में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है खुला है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो आए कम से कम यहाँ जो है हमारे डॉक्टर साहब से तनवीर साहब से ओपिनियन ले और यहाँ इलाज कराएं। और मैं डॉक्टर साहब के हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको ता हयात उम्र जो है आपसे ये जो खिदमात ले। और फिर एक बार मैं आखिरी में पूरी फैमिली को बिलखसूस डॉक्टर तनवीर साहब को और उनकी फैमिली को और पूरे भाइयों को और नासिर उस्तर उस्ताद को और उनके पूरे बड़े भाई को सबको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी है कि मरहूम उस्ताद साहब के नाम से यह हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है। मैं उनके तमाम ख़ानदान के अफराद को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने सादत हसन उस्ताद साहब के नाम से एक यादगार दवाखाने का इफ्तिताह किया है और ये दवाखाने को आगे अच्छी तरीके से चला करके पब्लिक की सेवा करना इसका असल मकसद है। हमारे उनके सारे जितने भी अफराद ख़ानदान हैं वो डॉक्टर्स हैं, विकला हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं। मुझे उम्मीद है पूरी
कि ये हॉस्पिटल का नाम ऊंचा करेंगे और उस्ताद साहब का नाम रोशन करेंगे। मैं कहते हैं सर साहब, उस्ताद साहब जिस तरीके से मेहनत करके अपनी लगन से अपना नाम कमाए थे, आज उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर तनवीर मेडिकल की दुनिया में, खास करके कल्याण कर्नाटक में, ये हॉस्पिटल में अमेरिकन स्टैंडर्ड मशीनरीज है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे मालूम हुआ कि इस हॉस्पिटल में लेटेस्ट टाइप के स्टैंडर्ड मशीनरीज हैं जो कि अवाम की सही तरीके से खिदमत कर सकते हैं, और ज़िले सतह पर ये मशीनरीज को लेटेस्ट ला करके यहाँ पर इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी खिदमत है, और उन्होंने बड़े खिदमत का ये दिया है। मैं उनके सारे अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए दवाखाना कायम किया है, और फिर वहाँ पर नए नए मशीनरीज को इस्टेब्लिश किए हैं। गुलबर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत है, और गुलबर्ग का नाम रोशन होगा, इससे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ये वो आस्पत्र भाग जन आरोग्य ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಸ್ಕರ ಏನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದಂಥ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಅಪ್ಪ ನಾಮ ತನ್ವೀರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾ ಯೇ ಜೋ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಮೈ ಸಭಿ ಜೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಜೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸಭಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೋ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಿ ಶಾಸಕ ಹೋನೆ ಕಾ ನಾತೆ ಮೈ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. बस जो उस्ताद साहब का जो नाम था, कम से कम मैं तो 40 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ कलबुर्गी में, जो लोगों की, गरीब लोगों की ये हॉस्पिटल की ओर से सेवा करते हुए उस्ताद साहब का नाम अभी रोशन करना चाहिए, और ये हॉस्पिटल के साथ आपका भाई बनकर मैं कभी भी साथ में रहूँगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज उस्ताद हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ शांति नगर में, कि ये हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी था गुलबर्गे में किरने का, कि सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है। ऐसा तो पूरा इलाज है पर किडनी का स्पेशल हॉस्पिटल नहीं था गुलबर्गे में, तो शांति नगर में उस्ताद हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ है। तो नासिर उस्ताद साहब को मैं बहुत दिल के गहराने से मुबारकबाद देती हूँ। और गुलबर्गे की अवाम हो, कर्नाटक की अवाम हो, गरीब हो या अमीर हो, मिनिमम चार्ज में यहाँ पे इलाज होगा। स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सब घूम के करके हम देखे, और हॉस्पिटल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है शांति नगर में। किरने का स्पेशल हॉस्पिटल गुलबर्गे में नहीं था, इसलिए आज यहाँ पर शांति नगर में हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ। दिले जहाँ से नासिर उस्ताद साहब को हम दिल के गहराने से शुक्रिया अदा करते हैं। उस्ताद को दिल्ली से मुबारकबाद देती हूँ। दवाखाना बहुत अच्छा रहा, किडनी का दवाखाना, अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल, मुबारक है उनको, बहुत बहुत मुबारक अस्पताल। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो गया है और मैं दिल से सारे डिग्निटरीज को, जितने मेहमान आए थे, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, दुआएं दी, वक्त दिया हॉस्पिटल के लिए हमारे। और आज के दिन उस्ताद सादत हुसैन साहब का बर्थडे भी है, तो उनको भी हमने बहुत मिस किया, लेकिन उनका ख्वाब हमने आज पूरा करने की कोशिश की है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जिसने भी हो सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमने इस हॉस्पिटल में ऐड किया है राइट एट द लेवल ऑफ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूशन के लेवल पर, और जितने हो सकते हैं उतने एनएबलिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इंक्लूड किया है इस हॉस्पिटल के बिल्डिंग में। और वेल इक्विप्ड स्टैंडर्ड कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरीज हमने इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया है। इन हाउस ब्लड बैंक, फार्मेसी लैब, इमेजिंग सर्विसेस सारे हमने लाए हैं। डायलिसिस सेंटर रखा है छोटा सा, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एक मॉडर्न मॉड्यूलर विथ लैमिनर फ्लो, दो ओटीज रखे हैं, लग्जरी रूम्स, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड्स रखा है हॉस्पिटल में, और एक अच्छी डॉक्टर्स की टीम, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हमने रखा है हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं रहेंगी तो हम फर्दर प्लान्स भी हैं हॉस्पिटल के लिए, इंशाल्लाह उनको भी हम लाएंगे। बस फिर से आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं और दुआ करें कि हॉस्पिटल आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। इट्स ए ह्यूज फैसिलिटीज एज उस्ताद किडनी केयर एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी एंड मैटरनिटी, सो डू यू प्लान दैट फॉर ट्रॉमा केयर आल्सो? तो फैक्ट दैट हमारे पास इन हाउस ब्लड बैंक है, 10 बेडेड आईसीयू है और 24/7 ऑल पैरामेडिकल, मेडिकल एंड एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ट्रॉमा और एमरजेंसी केयर तो हम रखेंगे ही रखेंगे, रख रहे हैं इंशाल्लाह। वी आर प्लानिंग फॉर ट्रांसप्लांट सेंटर, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, वी आर प्लानिंग फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होंगे यहाँ पे, क्योंकि उस स्टैंडर्ड्स पे हमने ओटी बनाए हैं, और हो सके तो इंशाल्लाह ओपन हार्ट सर्जरीज भी हम लोग करेंगे यहाँ। और एक टीम ऑफ गुड डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑलरेडी, 24/7 जुड़े हैं, तो इन कमिंग डेज इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अवर होल टीम एंड वी विल बी कमिंग बिफोर यू। अभी क्योंकि वक्त की कमी थी, हमने डेट डिसाइड कर लिए थे कि ये 20 जनवरी को ही होना है, तो सारे कंसल्टेंट्स को हम अभी नहीं ला सके, बट इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली वी विल बी कमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज, हम कैंप्स रखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स रखेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखेंगे, जितना हो सकता है हमने हॉस्पिटल में भी हमारे एजुकेशनल साइन बोर्ड्स रखे हैं, ताकि इवन द पेशेंट हु एंटर्स इनटू आवर हॉस्पिटल इज मेडिकली एजुकेटेड। उस तरीके से वी हैव ट्राइड टू ऐड इन एवरीथिंग, गिवन द एडिक्वेट स्पेस, एडिक्वेट पार्किंग, और इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, वी आर होपफुल कि सब ठीक होगा। इट्स गुड न्यूज फॉर एंटायर कम्युनिटी इन गुलबर्गा, यू आर प्रोवाइडिंग ह्यूज फैसिलिटीज, सो व्हाट इज द डिफरेंट स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज किडनी केयर एंड मैटरनिटी? तो वीव गॉट ऑल एडवांस्ड किडनी सर्जरीज विद अस। हमारे पास लेज़र है, हमारे पास लिथोट्रिप्सी है, हमारे पास शॉक वेव लिथोट्रिप्सीज हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, ओपन सर्जरीज तो ऑफकोर्स हैं, हमारे पास लैप्रोस्कोपी है, तो यू नेम इट वी हैव इट, वी हैव गॉट एवरीथिंग इंशाल्लाह। अगर कुछ चीज़ मिस भी हुए हैं तो वी विल नॉट डिले, वी विल ट्राई एंड गेट देम। डॉक्टर
Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, sir.